पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जीसीडी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किसरोल स्थित कार्यालय पर महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नूर रफत ने की तथा संचालन जावेद इकबाल एडवोकेट द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजर कहकशा अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की महिलाएं देश की 50% शामिल हैं, उन्हें उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना कि बाकी 50% महिलाओं को मिलता है। अध्यक्षता कर रही मोहतरमा नूर रफत साहिबा ने कहा कि सभी महिलाओं ने अपनी जिंदगी में चुनौतियों को देखा है और सभी ने उन चुनौतियों को समाधान में बदल दिया। इसके लिए सभी महिलाएं मुबारकबाद की और बधाई की पात्र हैं। इस अवसर विशिष्ट अतिथि रोहित अग्रवाल व गौहर अदीब के द्वारा महिलाओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडवोकेट दीप्ति खन्ना, मोहम्मद तंजील शास्त्री, शरीफ हुसैन, एडवोकेट नाजिया हसन, निशा इकरा यासीन आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मार्च, जो कि ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, देखिए आज अगर हम तालीम देंगे बच्चों को, छोटे लड़कियों को, एजुकेशन सबसे पहला और आखिरी हथियार है। एजुकेशन होगा उनकी बेटरमेंट होगी लाइफ के लिए, एजुकेशन से वो आगे बढ़ पाएंगी, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी तालीम हो, दोनों ही आज के दौर में दोनों ही ज़रूरत है। और जितना तालीम हम बच्चों को दे सकते हैं उनको दीजिए, लेडीज़ जेंट्स और दोनों में कोई बाइफर्केशन ना करें। आज की तारीख में सब लोग कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आज सब लोग जो हमारा थीम है बैलेंस फॉर बेटर, उसके लिए हम कर रहे हैं इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाबिज इकबाल एडवोकेट है। क्या कार्यक्रम किया गया आज? आप यहाँ पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें हमारे जो सेंटर के छात्र छात्राएँ हैं वो भारी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर, और मेहमान खुसूसी जिसे हम चीफ गेस्ट कहते हैं वो हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजर कहकशा अंसारी साहिबा मौजूद हैं और पूर रफा साहिबा इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही हैं, सदारत कर रही हैं। इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या रहता है? कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है ये प्रोग्राम, कि महिला किसी भी तरीके से सशक्त हों, आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे समाज में एक पीछे कुरूति रही है, आज तो नहीं है पहले रही है, कि जब हम महिलाओं को केवल रूढ़िवादी मानते थे और ये मानते थे कि उनमें इतना अच्छा नहीं सोच पाती हैं जेंट्स के मुकाबले में, लेकिन आज उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और आज बैंक्स में और आपका किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, वहाँ पर हमें महिलाओं का अच्छा खासी उपस्थिति दिखाई देती है, जबकि पहले कभी हमें इतनी उपस्थिति नहीं दिखती थी, इतनी तादाद में महिलाएं पहले हमें नहीं दिखती थी, आज महिला मजबूत हुई है, आगे बढ़ी है, इसी बात को हम दोहरा रहे हैं यहाँ पर। और जो महिलाएं अभी सशक्त नहीं हो पाई हैं उनको सशक्त करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है इन लोगों के माध्यम से, इन विभूतियों को यहाँ इकट्ठा किया है हमने ताकि वो इनको बताएँ और वो उनसे इंस्पायर हों और आगे बढ़ें।